हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कक्षा 12 जीव विज्ञान अध्याय 4 जनन स्वास्थ्य के बारे में पढ़ रहे हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि जनन स्वास्थ्य समस्याएं और कार्य नीतियाँ क्या हैं, जनसंख्या विस्फोट और जन्म नियंत्रण, सगर्भता या चिकित्सीय समापन, यौन संचरित रोग और बंधिता, इन सब टॉपिक को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। पिछले अध्याय में हम लोग क्या किए हैं, जनन तंत्र से संबंधित जो संरचनाएँ और उनकी कार्य रहे हैं उसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब उससे जुड़े निकट शीर्षक जन स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करेंगे। हम जनन स्वास्थ्य शब्द से क्या तात्पर्य समझते हैं इसके बारे में देखेंगे। यह शब्द साधारणतः स्वस्थ जनन अंगों और उसके सामान्य प्रकार्यों से संबंधित है। किससे? स्वस्थ जनन अंगों और उसके सामान्य जो कार्य हैं उससे संबंधित है। वस्तुतः यह एक व्यापक परिप्रेक्ष्य को दर्शाता है। यह शब्द क्या करता है, एक व्यापक परिप्रेक्ष्य को दर्शाता है जिसके अंतर्गत जनन के भावनात्मक एवं सामाजिक पहलू जुड़े हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसे संक्षिप्त में WHO भी कहते हैं, के अनुसार जनन स्वास्थ्य का अर्थ जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य, जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक तथा सामाजिक स्वास्थ्य है। इसलिए ऐसे समाज को जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज कहा जा सकता है। किसके अनुसार? WHO के अनुसार ऐसे समाज को जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज कहा जा सकता है जिसमें लोगों के जनन अंग शारीरिक रूप से प्रकार्यात्मक रूप से सामान्य हों, यौन संबंधी सभी पहलुओं में जिनकी भावनात्मक और व्यवहारिक पारस्परिक क्रियाएं सामान्य हैं। जनन स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने का क्या महत्व है और इसे पाने के लिए कौन कौन सी विधियाँ अपनानी चाहिए उसके बारे में चर्चा करेंगे। जनन स्वास्थ्य समस्याएं एवं कार्यनीतियां। विश्व में भारत ही पहला ऐसा देश था जिसने राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण जन स्वास्थ्य को एक लक्ष्य के रूप में प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम चलाए, जिसे परिवार नियोजन के रूप में जाना जाता है। अब इसे परिवार कल्याण के रूप में भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत सन 1951 में हुई थी, जो परिवार कल्याण के नाम से जो कार्यक्रम जाना जाता है, इसकी शुरुआत 1951 में हुई थी। पिछले दशकों में समय समय पर इसका आवधिक मूल्यांकन भी किया गया। जनन संबंधी और आवधिक क्षेत्रों को इसमें सम्मिलित करते हुए बहुत उन्नत व व्यापक कार्यक्रम फिलहाल, जिसे कहते हैं जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम RCH के नाम से प्रसिद्ध है, जो पहले परिवार नियोजन के नाम से या परिवार कल्याण के नाम से था, उसी को और व्यापक कर दिया गया, इसे जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम कहते हैं। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत जनन संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में लोगों को जागरूकता पैदा करते हुए और जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज तैयार करने के लिए अनेक सुविधाएं एवं प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत श्रव्य दृश्य, ऑडियो विजुअल और मुद्रित सामग्री की सहायता से सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन जनता के बीच जनन संबंधी पहलुओं के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए भिन्न उपाय कर रहे हैं। उपर्युक्त सूचनाओं को प्रसारित करने के लिए माता पिता, अन्य निकट संबंधी, शिक्षक एवं मित्रों की भी प्रमुख भूमिका है। विद्यालय में यौन शिक्षा की पढ़ाई को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि युवाओं को सही जानकारी क्या हो सके मिल सके प्राप्त हो सके। युवाओं के अंदर जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, गलत जानकारियाँ हैं, उससे क्या हो सके छुटकारा मिल सके। लोगों को जननांगों, किशोरावस्था एवं उससे संबंधित परिवर्तनों, सुरक्षित और स्वच्छ यौन क्रियाओं, यौन संचरित रोगों, एड्स के बारे में जानकारी, विशेष रूप से किशोर युवा आयु वर्ग में जनन संबंधी स्वस्थ जीवन बिताने में सहायक होती है। मतलब इसका कहने का मतलब, जो किशोरावस्था होती है उसमें जो भी परिवर्तन होते हैं, शारीरिक परिवर्तन होते हैं, उससे संबंधित जानकारियाँ किशोरों को देनी चाहिए। लोगों को शिक्षित करना, विशेष रूप से जनन क्षम जोड़ी तथा वे लोग जिनकी आयु विवाह योग्य है, उन्हें उपलब्ध जन्म नियंत्रक, जिन्हें गर्भ निरोधक विकल्पों तथा गर्भवती माताओं की देखभाल
माँ और बच्चे को प्रसोत्तर मतलब प्रसव के बाद देखभाल आदि के बारे में तथा स्तनपान के महत्व, लड़का या लड़की को समान अवसर प्रदान करना आदि के संबंधी में जानकारियां प्रदान करनी चाहिए। अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि में होने वाली समस्याओं और सामाजिक उत्पीड़नों जैसे यौन दुरुपयोग एवं यौन संबंधी अपराधों आदि के बारे में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है ताकि लोग इन्हें रोकने एवं जननात्मक रूप से जिम्मेदार एवं सामाजिक रूप से स्वस्थ समाज तैयार करने में सहायता मिल सके। जनन स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए विभिन्न कार्य योजनाओं के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए मजबूत संरचनात्मक सुविधाओं, व्यावसायिक विशेषज्ञता तथा भरपूर भौतिक सहारों की आवश्यकता होती है। लोगों को जनन से संबंधी जो समस्याएं हैं जैसे सगर्भता, प्रसव, यौन संचरित रोगों ऐसे रोग जो यौन संचरित होते हैं, गर्भपात, गर्भ निरोधक माहवारी संबंधी समस्याओं, बंधता आदि के बारे में चिकित्सीय सहायता एवं देखभाल उपलब्ध कराना आवश्यक है। समय समय पर बेहतर तकनीकी और नई कार्य नीतियों को क्रियान्वित करने की आवश्यकता है ताकि लोगों को अधिक सुचारू रूप से देखभाल और सहायता की जा सके। बढ़ती मादा भ्रूण हत्या की कानूनी रोक और एम्नियोसेंटेसिस जिसे लिंग जांच परीक्षण कहते हैं पर वैधानिक प्रतिबंध तथा व्यापक बाल प्रतिरक्षीकरण आदि कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को भी शामिल किया गया है। मतलब एम्नियोसेंटेसिस मतलब जो लिंग परीक्षण किया जाता है उस विधि को एम्नियोसेंटेसिस कहते हैं। एम्नियोसेंटेसिस में एम्नियोटिक त्रो में घुले पदार्थों का व विकासशील भ्रूण की कोशिकाओं का विश्लेषण किया जाता है कि वह जो भ्रूण है वह मेल है या फीमेल है उसके बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती है एम्नियोसेंटेसिस के द्वारा। इस विधि से भ्रूण में होने वाले विभिन्न आनुवंशिक विकार जैसे डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया आदि की उपस्थिति का भी पता लगाया जाता है तथा जनन संबंधी विभिन्न क्षेत्रों पर अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाता है। सरकारी तथा गैर सरकारी एजेंसियां नई विधि तलाशने या विद्यमान को बेहतर बनाने का काम करती हैं। क्या आप जानते हैं सहेली नामक गर्भनिरोधक गोली भारत जो किसके द्वारा खोजा गया? भारत में किसके द्वारा? CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के द्वारा खोजा गया है। यौन संबंधी मामलों के बारे में बेहतर जागरूकता, अधिकाधिक संख्या में चिकित्सा सहायता प्राप्त, प्रसव तथा बेहतर प्रसवोत्तर देखभाल से मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में गिरावट आई है। लघु परिवार वाले जोड़ों की संख्या बढ़ी है। छोटे परिवारों की संख्या क्या हुई है? बढ़ी है। यौन संचरित रोगों की जाँच पड़ताल तथा देखभाल और कुल मिलाकर सभी यौन समस्याओं हेतु बढ़ी हुई चिकित्सा सुविधाओं का होना आदि समाज के बेहतर जन स्वास्थ्य की ओर संकेत देते हैं।